सब्सक्राइब कीजिए वीडियो श्रेयस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टिप्स ट्रिक्स एंड ब्लॉग्स वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कोरोना वायरस हम सभी के लिए कितना खतरनाक है ये तो आप खुद ही जान गए होंगे। इस कोरोना वायरस के चलते हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं कि आखिर हम कैसे कोरोना वायरस को कंट्रोल कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं वीडियो श्रेयस। दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट ने नई ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। तो दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखते रहिए, आज जानेंगे इसी ऐप्स के बारे में, इसमें क्या क्या फीचर्स है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुँच पाए। तो हम बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप्स की। तो अभी कुछ दिन पहले भी कोरोना कवच बोल के ऐप्स मिला था गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों, कोरोना कवच ऐप्स की हाइब्रिड वर्जन है ये, और ये ऐप्स सिंपल डिजाइन और सिंपल इंटरफेस के साथ है। तो ऐसे में आरोग्य सेतु ऐप्स बहुत आसान से यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, ये ऐप्स दो प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, आईफोन और एंड्रॉयड के लिए। बात करूँ इसकी फीचर्स की तो इसमें 11 अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज दिया है। आपको जो लैंग्वेज पता है उसी के हिसाब से आप चूज कर लेना। तो मैं अभी कर लेता हूँ इसको अभी हिंदी, और इसको नंबर दे के रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसमें देखिए मोबाइल लोकेशन ब्लूटूथ डाटा शेयरिंग, इसमें 3 एक्स्ट्रा फीचर्स दिया है। और इसमें आप जान सकते हैं GPS के माध्यम से और ब्लूटूथ के माध्यम से आपके पास मतलब कौन कोरोना पीड़ित मरीज है। इसमें आप जान सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं, इसको बड़ी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। आपको ये मैसेज के जरिए अलर्ट करता रहेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको आगे प्रोसीजर करता हूँ, अलाउ करता हूँ। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देने के लिए बोल रहा है, मैं मेरा मोबाइल नंबर दे दे रहा हूँ अभी। उसके बाद सबमिट में क्लिक करता हूँ। देखिए अभी OTP एक आएगा। OTP आने के बाद मैं ये OTP को आपको सामने डाल देता हूँ। देखिए अब सबमिट में क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, ये है आरोग्य सेतु का मेन फ्रंट पेज। इसमें आप कैसे क्या करना है इसमें सब लिखा है हिंदी में, जो लैंग्वेज आप जानते हैं इसी लैंग्वेज के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो है मेन एक्स्ट्रा फीचर्स, इसमें शेयरिंग का दिया है ज़्यादा, और इसमें और एक एक्स्ट्रा फीचर्स दिया है जो हेल्थ मिनिस्ट्री से अपडेट आता है वो तुरंत यहाँ पर शो करने लगता है। तो जब भी अपडेट आएगा तुरंत शो करेगा यहाँ पर। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और एक तो देखिए आगे मैं दिखाता हूँ, COVID-19 सहायता केंद्र। इसमें आप जाकर किसी भी स्टेट के हिसाब से आप कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर, किसी को सिम्टम दिखा दे रहा है कि आपका परिवार में किसी को भगवान करे ना हुआ होगा, लेकिन किसी को हुआ है तो आप कॉल करके इसमें पता कर सकते हैं। इसमें और एक ऑप्शन दिया है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। इसमें आप खुद भी खुद का या फिर किसी पड़ोसी का किसी का घर परिवार का चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे इसका फॉलो करते जाएंगे वो आपको क्वेश्चन वेरीफाई करते जाएगा और आपको ये आंसर देते जाएगा, और उसके हिसाब से एक अल्गोरिथम है उसके हिसाब से ये प्रोसीजर में करते जाएगा। तो ये फीचर्स भी बहुत बढ़िया फीचर्स दिया है इसमें। और इसमें देखिए COVID-19 के बारे में जानकारी, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें सब डाटा मिल जाएगा। आप देखते रहिए, थोड़ा यहाँ पर नेट स्लो है उसी लिए ठीक से नहीं चल रहा है, खुलने दीजिए। देखिए ये नोबेल कोरोना वायरस COVID-19, खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित, क्या करें और क्या ना करें, इसमें सब दिया है। ये PDF फाइल में अवेलेबल है। PDF फाइल आप मोबाइल में डाउनलोड करके इसको बड़ा करके जूम करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो और फीचर्स इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें। तो ये हो गया
कोविड-19 के बारे में जानकारी, कोविड-19 क्या करें और क्या ना करें इसमें भी दिया है। देखिए ये पोस्टर है, पोस्टर निकल रहा है, यही भी PDF फाइल में है। इसको डाउनलोड करके आप शेयर भी कर सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं, आप खुद भी पढ़ के इसके नियम का पालन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो भी दिया है पूरा लेटेस्ट अपडेट रहता है, हमेशा अपडेट रहता है ये। और कोविड-19 से सुरक्षा के उपाय इसमें देखते हो। देखिए नोवल कोरोना वायरस ये इंग्लिश में लिखा है, सब चीज़ें आप पढ़ के खुद यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं और दूसरों को भी दिखा सकते हैं। ये तो ब्लूटूथ और GPS से ऑटोमेटिक ट्रेस कर लेगा, आप जिस एरिया में जाएंगे या आपके पास कोई कोरोना मरीज होगा तो ये आपको मोबाइल से मैसेज में अलर्ट देता रहेगा, आप भी ट्रैकिंग कर सकते हैं उसको कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक दीजिए और ये जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।